खनिदाना में जैन समाज द्वारा समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में बच्चे और पुरुष अपने हाथों में मशाल लेकर नारेबाजी करते हुए रैली में नजर आए। जैन समाज के लोगों ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा पवित्र और सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के विरोध में विशाल मशाल जुलूस रैली निकाली। अगर सरकार द्वारा समेत शिखर को पवित्र क्षेत्र घोषित नहीं किया गया तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। आपको बता दें कि मशाल जुलूस बड़े जैन मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस बड़े जैन मंदिर में आकर समाप्त हुआ। जुलूस में हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करणी सेना भी शामिल होकर अपने योगदान दिया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ प्रमुख ने बताया कि जब पूरे भारत देश में अयोध्या राम मंदिर के आंदोलन में जैन समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हम जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर के आंदोलन में जैन समाज के साथ है और आने वाले हर स्थिति में जैन समाज के साथ रहेंगे। खनेथाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। ये जो आप रैली निकाल रहे हैं, ये किसके लिए रैली है आपकी? ये हमारी रैली श्री सम्वेश शिखर जी, हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है और धर्मशाला को मधुशाला न बनाया जाए, क्योंकि इससे हमारा आस्था का प्रतीक है और 24 तीर्थंकरों ने सम्वेश शिखर जी पर तपस्या की है और वहाँ मोक्ष प्राप्त किया है। और ऐसी स्थिति में सिप्पू सेरेन सरकार इस प्रकार करती है तो निश्चित रूप से संपूर्ण देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संपूर्ण जैन समाज को लेकर, सनातन समाज को लेकर सड़कों पर उतरेगा और विरोध करेगा। माननीय मोदी जी से निवेदन करते हैं कि तुरंत इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रोक लगाई जावे। निश्चित रूप से हमारी भावनाओं का सम्मान होगा, रोक नहीं लगेगा। तो हम लोग जैसे अहिंसा परमो धर्मा, जैन समाज अहिंसक है, लेकिन हम सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे, इतना बड़ा संक्रांत करेंगे, देश के अंदर त्राहिमान त्राहिमान हो जाएगा। आज जो जैन समाज द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया है और सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो शिखर जी धाम को उनने पर्यटक क्षेत्र घोषित किया है, इसके बारे में जानकारी बताएं। हमारा सम्वेश शिखर 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर हमारे वहां से मोक्ष गए हैं और सशक्त था और सशक्त है, और जब तक सरकार हमारा वो नहीं मानेगी, पर्यटक वापस नहीं करेगी, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये तो अगड़ा ही है, आगे और लड़ाई है। अभी हम सम्वेश शिखर के बारे में लड़ रहे हैं और गिरनार के बारे में भी हम लड़ेंगे और गिरनार का अधिकार भी हम लेके रहेंगे और आगे चल के, ये तो छोटी सी लड़ाई चल रही है और छोटा सा रूप चल रहा है देश के अंदर, आगे चल के हम इसका बड़ा रूप लेंगे और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की हम क्षमता रखते हैं। और आगे क्या प्रोग्राम रहेंगे आपके? आगे हमारा बहुत कुछ प्रोग्राम है। अगर 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 क्या नाम से मोदी सरकार और झारखंड सरकार ने हमारा ये जो इन्होंने इन्होंने जो आश्वासन दिया है, 15 दिन का समय मांगा है, अगर इसमें इन्होंने अपने निर्णय नहीं बदला तो ये आंदोलन है, ये उग्र भी रूप धारण कर सकता है। इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सरकारों की रहेंगी। इसमें जैन समाज, वैसे भी सुना है सब लोग, जैन समाज जिस नाम से जाना जाता है, अहिंसक जैन समाज है, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं हम, महावीर भगवान के सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। अगर सरकार ऐसे ही भड़काएगी तो हमें अपना आपा खोना पड़ेगा। चीटी भी नहीं मारते, फूल भी नहीं, हम अपने फूल तोड़ने पे भी अहिंसा मानते हैं, हिंसा को मानते हैं। और क्या नाम से ये जो भी सरकार ने निर्णय लिया है वो बहुत गलत लिया है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। सब लोगों को पता है कि जैन समाज की GDP में 25% भागीदारी है, और अगर जैन समाज गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को अपना नुकसान करना है तो ये मोदी सरकार आगे अपना खुद देख ले, क्योंकि जब जैन समाज अपना व्यापार बंद कर देगा तो उनका आमदनी भी बंद हो जाएगी। जय जिनेंद्र।